मैजिकल जायंट काओ गोल्ड माइन। कई हजारों साल पहले समंदर के अंदर से बहुत सारी गायें उड़ती हुई निकली। वहां उस समंदर में से एक बहुत विशाल गाय भी उड़ती हुई निकली और सब गायें उड़कर एक टापू पर चली गईं और वहीं रहने लग गईं। और वो बड़ी विशाल गायें उड़ती उड़ती उस टापू की जमीन के अंदर चली गई। ऐसे ही कई हजार साल गुजर गए तो एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया और वो जादुई गायें वाला टापू समंदर के अंदर डूब गया और वो जादुई गायें वापस पानी के अंदर चली गई। लेकिन वो विशाल गायें अभी भी उस टापू की जमीन के अंदर रहती थी। वो मछवारापुर नाम का गांव था। वहां के ज्यादातर लोग मछलियों का व्यापार करके अपनी जिंदगी बिता रहे थे। वहीं उस गांव में श्याम नाम का एक मछुआरा भी रहता था। श्याम वहां गांव में अपनी पत्नी विद्या और अपने बेटे मोहित के साथ रहता था। श्याम का बेटा मोहित बहुत होशियार था। वो अपने घर में छोटे मोटे जुगाड़ बनाता रहता था। मोहित का सपना था कि वो पढ़ लिख के बहुत बड़ा आविष्कारक बनेगा और अपने देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन वो गरीब होने के कारण स्कूल भी नहीं जा सकता था। वैसे श्याम रोज सुबह को मछलियां पकड़ने के लिए जाया करता था। श्याम पूरा दिन बहुत मेहनत करता और मछलियां पकड़ता और श्याम रात में अपने पूरे दिन की मेहनत से पकड़ी हुई मछलियां अपने घर ले आता और ऐसे ही उसके घर का गुजारा होता। एक दिन मछवारापुर गांव में मुन्ना छपरी नाम का एक चोर आ गया। तो गांव में आते ही मुन्ना छपरी, यहाँ इस गांव में तो अब रोज चोरी करूंगा और यहाँ के मछुआरों से रोज मछली चुरा के खाऊंगा भी और उनको बेचूंगा भी। वो बेचारे मछुआरे मेहनत से मछलियाँ पकड़ेंगे और मैं उनसे चोरी करके लूंगा। ऐसे ही एक दिन शाम थका हारा पूरा दिन मेहनत करके मछलियाँ पकड़कर अपने घर ला रहा होता है तो वहीं उसके सामने मुंह पर मास्क लगाए और एक डंडा लिए मुन्ना छपरी आ जाता है। तो मुन्ना छपरी, ए मछुआरे, अगर जान प्यारी है तो सारी की सारी मछलियाँ मुझे दे दो वरना इस डंडे से मार कर तुम्हारी हालत बिगाड़ दूंगा। तो मुन्ना छपरी शाम से उसकी सारी मछलियाँ छीन के ले गया। वैसे ये रोज होने लगा। मुन्ना छपरी आता और शाम को धमका कर उसकी सारी मछलियाँ ले जाता। मुन्ना छपरी के मछलियाँ छीन लेने की वजह से शाम घर खाली जाता। शाम ने पास के गांव के एक सेठ से ब्याज पर पैसे लिए हुए थे तो उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया था। इसकी वजह से शाम बहुत परेशान था। तो इस परेशानी की वजह से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और उसने खाट पकड़ लिया। तो शाम को बीमार देखकर शाम का बेटा मोहित, पापा तो बहुत बीमार हो गए हैं। वो कुछ दिनों से मछलियां पकड़ने तो जाते थे लेकिन रात में खाली आते थे। इसका पता लगाना पड़ेगा और अब से पापा की जगह मैं जाऊंगा मछलियां पकड़ने और बहुत सारी मछलियां पकड़ कर लाऊंगा। लेकिन इस काम के लिए मुझे अपना कोई आविष्कार बनाना पड़ेगा। वैसे बाद में मोहित वो आविष्कार बनाकर नाव से समंदर में चला जाता है। तो मोहित, अब मैं अपने इस कमाल के आविष्कार से बहुत से मछलियां पकड़ूंगा। तो मोहित अपने उस आविष्कार का एक बटन दबाता है तो उसमें से एक बहुत बड़ा जाल निकलता है और समंदर में जाता है। तो ऐसे ही वो बहुत देर बाद जब दोबारा मोहित अपने उस आविष्कार का बटन दबाता है तो वो जाल वापस मोहित के पास आ जाता है। लेकिन वो जाल खाली नहीं होता। उस जाल में वही जादुई टापू वाली गाय होती है। तो वो गाय जाल के साथ समंदर से बाहर आकर बोली, ए मानव, मैं समंदर के अंदर एक बहुत बड़े पत्थर के बीच में फंसी हुई थी। तुमने जब जाल फेंका मैं उसे पकड़ कर उस पत्थर से बाहर निकल पाई। तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हें मेरी मदद के बदले में सोना दे सकती हूँ। तो उस गाय ने मोहित से कुछ कहा तो मोहित उस गाय के ऊपर बैठ गया और वो गाय बहुत तेजी से उड़कर आगे जाने लगी। वैसे वो गाय और मोहित कुछ आगे जाते ही गायब हो गए। वो गाय और मोहित उस टापू वाली बड़ी गाय के पेट में पहुंच गए।
तो वहाँ पर बहुत सारा सोना था, तो वो गए। ये सारा सोना हमें समंदर के अंदर से मिला था, तो हमने ये सारा सोना यहाँ रख दिया। तुम्हें जितना सोना चाहिए तुम ले जाओ। वैसे मोहित ने वहाँ से कुछ सोना उठाया और उस गाय के जादू से उस सोने के साथ वापस अपने घर में पहुँच गया। बाद में उस सारे सोने को बेचकर मोहित ने एक बड़ा सा घर बनवाया और अपने माता पिता के साथ उस बड़े घर में रहने लगे। वो बहुत अमीर हो गया था। ट्रैक्टर स्कूल बस। जयनगर का गांव था, वहां पर आने जाने के लिए सिर्फ एक ही बस चला करती थी। उस बस के ड्राइवर का नाम योगी। वो बहुत लालची था। उस गांव में सिर्फ एक ही बस होने के कारण योगी अपनी बस की टिकट की कीमत बहुत ज्यादा लेता था। इतना ही नहीं, वो योगी कभी कभी तो दारू पीकर भी बस चलाता था। उस गांव में कोई और बस ना होने के कारण वो बेचारे गांव के लोगों के पास और कोई चारा नहीं था, तो वो योगी की बस में बैठते। वहां उस गांव से स्कूल भी बहुत दूर था, तो जो गरीब बच्चे उस योगी की बस की टिकट ज्यादा होने के कारण उसकी बस में नहीं बैठ सकते थे, तो वो चलकर स्कूल जाते थे। वहाँ उस गांव में एक गरीब लड़का रहता था, उसका नाम चुन्ना। उसकी माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, तो चुन्ना अपने पिता के साथ रहता था। चुन्ना के पिता का नाम रवि। वो वहाँ उस गांव के एक सेठ के लिए उसकी जमीनों पर ट्रैक्टर चलाता था और दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता था। चुन्ना एक दिन चलते चलते अपने स्कूल जा रहा था, तो वहां से योगी भी अपनी बस लेकर आ रहा था। योगी ने उस दिन बहुत ज्यादा दारू पी हुई थी, तो वो उस बस को बहुत तेज चला रहा था। तो उस दिन वो योगी की बस का चुन्ना से एक्सीडेंट होते होते बचा। चुन्ना का पिता जिस सेठ के लिए काम करता था उसका नाम जगदीश कुमार। वो बहुत लालची और अमीर था, तो एक दिन रवि को उसने अपने पास बुलाया और सेठ रवि से बोला, रवि मेरी बात सुनो, तुम कल से जमीनों पर काम करने मत जाना, मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। अब एक नई बस ले रहा हूँ और वो योगी मुझे उस बस से बहुत पैसे कमा कर देगा, मुझे तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर रवि बोला, सेठ जी मुझे काम से मत निकालें, मैं बहुत गरीब हूँ। ए चल निकल यहाँ से, एक बार बोला ना, तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं। रवि वहां से दुखी होकर अपने घर चला गया। रवि अपने घर में पलंग पर दुखी होकर बैठा था, तो वहां पर उसका बेटा चुन्ना आकर बोला, पिताजी आप यहाँ दुखी होकर क्यों बैठे हैं? क्या हुआ मुझे बताएं। तो रवि ने चुन्ना को सारी बात बताई कि कैसे उस जगदीश सेठ ने उसे काम से निकाल दिया। तो ये बात सुनकर चुन्ना, पिताजी आप चिंता बिल्कुल मत करें, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब चुन्ना जंगल से गुजर रहा था, तो उसने वहाँ पर एक खराब पुरानी खड़ी हुई एक बस देखी, तो वहाँ वो सोचने लगा, अगर मैं किसी तरीके से इस बस को ठीक कर दूं, तो पिताजी इसे चला कर दोबारा से काम कर सकते हैं। चुन्ना एक मैकेनिक के पास चला जाता है और चुन्ना उस मैकेनिक से बोला, मेरे पास एक पुरानी बस है लेकिन वो चल नहीं सकती, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। तो चुन्ना उस मैकेनिक को वो आइडिया बताता है। ऐसे ही कुछ ही दिनों में चुन्ना अपने पुराने ट्रैक्टर को उस पुरानी बस के साथ जोड़कर एक ट्रैक्टर बस बनवा कर अपने घर ले आता है। उस ट्रैक्टर बस को देखकर रवि भी बहुत खुश होता है, तो चुन्ना अपने पिता से बोला, पिताजी ये ट्रैक्टर बस मैंने आपके लिए बनवाई है, अब आप इसे चलाकर काम कर सकते हैं। जब रवि उस ट्रैक्टर बस को गांव में ले जाता है, तो गांव के लोग उस ट्रैक्टर बस को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। गांव के लोग उस ट्रैक्टर बस में बैठने लगते हैं और रवि की उस ट्रैक्टर बस का किराया भी बहुत कम होता है, तो सब लोग सिर्फ रवि की ट्रैक्टर बस में ही बैठते थे।
और वहाँ उस गांव के गरीब बच्चे जो पहले चलकर स्कूल जाते थे वो अब रवि की ट्रक